गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बच्चे। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी लेके आऊँ, पेस्ट के अंदर जो हानिकारक इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बारे में दोस्तों आज आपको जानकारी दूंगा। अब आप पेस्ट लेते हैं कि भाई मुंह में अच्छी झाग बने, तो वो कैंसर जननी है। उसके अंदर जैसे जिस प्रकार के 8 प्रकार के हमारे केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर को बनाते हैं। इसमें केमिकल आराम से दिखाएं, सामने दिखाएं कैमरामैन जी। देखिए सोडियम मोनोसल्फेट, सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये और इसमें हो गया ट्राइक्लोसन। ये हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया को जब हम पेस्ट करते हैं तो कुछ अंश जीभ की टंग के नीचे से हमारे पेट की आंतड़ियों में चला जाता है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया आंतड़ियों में मार देते हैं, तो उसके बाद हमें गुदा का और भी कैंसर हमारे बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसको अवॉइड करें थोड़ा सा। और बच्चों को तो कम से कम भी 6 या 7 साल तक बच्चों को तो पेस्ट बिल्कुल भी ना करने दे, क्योंकि बच्चा उसका स्वीटनर, जो उसमें स्वीटनर होते हैं, स्वाद होते हैं, उसके कारण वो अंदर ले जाता है। तो बच्चों में जो कैंसर की मात्रा बढ़ रही है तो वो रोकें प्लीज। तो अब कैसे, क्या अपने घर पे कैसे तैयार करना है मंजन, उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। उसमें अपने को 3 चीज की जरूरत होती है। सेंधा नमक 5 से दिखाएं, हल्दी 50 ग्राम और फिटकरी की भस्म। अब 50-50 ग्राम सेंधा नमक और हल्दी होगी और 20 ग्राम अपने फिटकरी की भस्म लेनी है। फिटकरी की भस्म को क्या करना है, 20 ग्राम फिटकरी लेके तवे के ऊपर भून लेनी है। पहले वो पानी होगी, फिर सूख जाए, तो सूख जाने के बाद इन तीनों को आप अच्छी तरह मिक्सी में घोट लो और इसका एक एक इस प्रकार का देखिए, पास से दिखा, इस प्रकार का एक आपका मंजन बन जाएगा। सुबह शाम इससे कर रहे हैं, इससे आपके लब लब मुंह के तो सारे और गले के और नाक के सारे रोग दूर होंगे दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, थैंक यू।